बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे और खुबानी की चटनी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू बुखारे की चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने 150 ग्राम हुशक आलू बुखारा लेके इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 3 घंटे पहले भिगो दिया था। चूल्हे को लो टू मीडियम रखेंगे और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। आलू बुखारे को पकते हुए 10 मिनट गुजर गए हैं। इसमें आधा कप चीनी डालेंगे, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, एक चुटकी काला नमक और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं। चूल्हे को मीडियम कर देते हैं और इसको ठीक होने तक पका लेंगे। 2 कतरे रेड फूड कलर के डालेंगे, 1 टीस्पून सिरका डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून चार मगज। अब हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। चटनी तैयार हो गई है, चूल्हा बंद कर देते हैं। अब हम खुबानी की चटनी तैयार कर लेते हैं। मैंने 150 ग्राम खुबानी लेके इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसको 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इनको जग में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। पैन में खुबानी का पेस्ट डालेंगे, वन थर्ड कप चीनी डालेंगे, एक चुटकी काला नमक, एक चुटकी चाट मसाला, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। चूल्हे को मीडियम रखेंगे और इसको 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। चटनी को पकते हुए 7 मिनट गुजर गए हैं। इसमें 1 कतरा येलो फूड कलर का डालेंगे, 1 टीस्पून सिरका डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। चटनी तैयार हो गई है, चूल्हा बंद कर देते हैं। खुबानी की चटनी और आलू बुखारे की चटनी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।